ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। एटा जनपद में भूसा लोड करते समय कैंटर ट्रक आग का गोला बन गया और देखते ही देखते कैंटर ट्रक में आग की लपटें निकलने लगी। वहीं आग की सूचना पर स्थानीय लोगों ने दमकल को भी सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर बाल्टियों में पानी भरकर और मिट्टी से 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो वहीं ट्रक में आग लगने के बाद आग की चपेट में आसपास के खेत भी आ गए, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है और गेहूं की भारी फसल भी जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने से किसानों के अरमानों पर पानी भी फिर गया। अगर सूत्रों की माने तो एक किसान का 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि किसान फसल बेचकर अपनी बेटी की शादी कराना चाहता था। बेटी के हाथों की मेहंदी सूनी रह गई और पिता के अरमानों पर पानी फिर गया। यह भी एक कहीं कुदरत के कहर से कम नहीं है। जबकि पूरे तरीके से ट्रक भी जलकर राख हो चुका है, तो वहीं कंडक्टर और ड्राइवर भी झुलसने से हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने CHC जलेसर में ट्रक चालक को भर्ती करा दिया है, जहाँ उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और ये पूरी घटना थाना जलेसर क्षेत्र के रेजुआ गाँव की बताई जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।